ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा। तो देवतागण भगवान विष्णु के पास पहुंचे थे, क्योंकि जब उन्होंने देखा था कि उनको श्वास लेने में बड़ी मुश्किल हो रही है, उनका दम घुटा जा रहा है, तो वो तुरंत भगवान के पास में गए थे। तो भागवत में कहा है, जब भी भक्तों के ऊपर परेशानी होती है, जब भी देवतागण, वो भी भगवान के भक्त हैं, शुद्ध भक्त नहीं हैं, लेकिन वो भी भगवान के भक्त हैं, वो भी भगवान की सेवा में लगे हैं, भगवान के द्वारा ये संसार इन देवताओं के द्वारा चलाया जाता है, अलग अलग विभाग के ये देवतागण जो है, जैसे हमारे किसी कंपनी में डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, इसी प्रकार के अलग अलग विभागों के ये सचिव कहलाते हैं। कोई जैसे इंद्र देवता है, वो वर्षा उस विभाग के देवता बताए जाते हैं, अग्नि है, वायु है, तो इस प्रकार से। तो इनके ऊपर जब भी कुछ कष्ट आता है तो ये भगवान की तरफ जाते हैं, उनकी शरण में जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं, अपनी जो उनकी दुविधा है, जो कठिनाई वो भोग रहे हैं, उसको दूर करने के लिए। तो अब ये भगवान के पास में जाने के पश्चात भगवान उनको संतावना देते हैं। भगवान कहते हैं कि ये जो हो रहा है, ये मेरा जो भक्त है ध्रुव, उसकी घोर तपस्या के कारण पूरे विश्व की, क्योंकि ध्रुव महाराज, उन्होंने श्वास लेना बंद कर दिया है और उनकी चेतना अब कृष्णा भावनामृत हो गई है पूर्ण रूप से, इसलिए जब उन्होंने श्वास लेना बंद कर दिया है तो पूरे ब्रह्मांड का श्वास बंद होने जैसा है। तो मैं जाकर के उनकी तपस्या को कहूँगा कि तुम अब और तपस्या करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, तो तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारी ये जो कठिनाई है जल्द दूर हो जाएगी। तो ऐसा कह करके भगवान ने सभी देवताओं को विदा किया, वो अपने अपने लोकों में वापस लौट गए। अब भगवान अपने गरुड़ वाहन के ऊपर सवार होकर के अब भगवान स्वयं व्रज धाम की तरफ जा रहे हैं और वहाँ पर मधुवन, जहाँ पर महाराज ध्रुव भगवान के ऊपर ध्यान लगाए हुए हैं, एक पांव के ऊपर खड़े हैं और घोर तपस्या में अपना मन पूर्ण रूप से भगवान में लीन है उनका, तो वहाँ पर भगवान पहुँचते हैं और ध्रुव महाराज जो है, भागवतम में कहा है कि अपने हृदय के अंदर में भगवान के दिव्य रूप के दर्शन कर रहे हैं और भगवान का जो रूप है, यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि, भगवान जिस प्रकार से
सूरज की प्रभा निकलती है और सूरज इतना प्रकाशवान होता है, इसी प्रकार से भगवान के शरीर से जो प्रभा निकलती है जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं, भगवान बहुत प्रकाशमान है। तो जिस प्रकार से आकाश में बिजली होती है, लाइटनिंग होती है, उस प्रकार से भगवान के रूप का दर्शन ध्रुव महाराज अपने हृदय में कर रहे हैं। लेकिन अब भगवान की योजना के अनुसार क्या हुआ? जिन भगवान के वो दर्शन अपने हृदय में कर रहे थे, अब उनके दर्शन वो नहीं कर पाए हृदय के अंदर में। तो भगवान के ऊपर ध्यान लगा रहे थे, लेकिन उन्होंने देखा कि भगवान जो है उनके हृदय से तुरंत जो है वहां पर चले गए, डिसअपियर हो गए, अंतर ध्यान हो गए। तो अब ध्रुव महाराज जो है विचलित हो गए और उसके कारण अब उनका ध्यान भंग हो गया। लेकिन जैसे ही ध्रुव महाराज का ध्यान भंग हुआ और उन्होंने अपनी आंखें खोली, तो उन्होंने देखा कि जिन भगवान के दर्शन वो हृदय के अंदर में कर रहे थे, वही भगवान अब साक्षात उनके सामने खड़े हैं। तो देखिए, ये होता है योग की पूर्णता। जिन भगवान के ऊपर हम अपने हृदय में, अपने मन में ध्यान लगाते हैं, या फिर मंदिर में जाकर के भगवान की अर्चना करते हैं, भगवान की विग्रह के ऊपर ध्यान लगाते हैं, उनकी उपासना करते हैं, तो जो भगवान हृदय में है उनके रूप में, और अब हम देख रहे हैं कि साक्षात भगवान प्रकट हुए ध्रुव महाराज के सामने, कोई अंतर नहीं है, एब्सोल्यूटली कोई अंतर नहीं। तो इसलिए तो वेदों में बताया है कि प्रेम भक्ति के कारण भगवान का जो भक्त होता है, 24 घंटे भगवान के दर्शन अपने हृदय के अंदर में करता है। ब्रह्म संहिता में कहा है, प्रेमांजन चुरिता भक्ति विलोचनेना संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। और किनके दर्शन करता है? यम श्याम सुंदरम, भगवान को श्याम सुंदर कहा जाता है, उनका वर्ण जो है श्याम रंग का है, तो यम श्याम सुंदरम, तो उन्हीं श्याम सुंदर के दर्शन जब हम मंदिरों में करते हैं, या भक्त अपने हृदय में करता है, या फिर भगवान के साक्षात दर्शन अपनी आंखों के सामने करता है जैसे ध्रुव महाराज कर रहे हैं, उसमें कोई अंतर नहीं है। या फिर भगवान का रूप जो भगवान के वैकुंठ धाम में है, गोलोक वृंदावन धाम में है, इन भगवान के रूपों में कोई अंतर नहीं है। ये यहाँ पर स्वयं ध्रुव महाराज अनुभव कर पाए, जिन भगवान के दर्शन वो 24 घंटे अपने हृदय में कर रहे थे, अब साक्षात वही भगवान उनकी आंखों के सामने प्रकट हुए हैं और अब वो उनके दर्शन कर पा रहे हैं। तो जिस प्रकार से ध्रुव महाराज अपने हृदय में दर्शन कर रहे थे, हम सब भगवान के मंदिरों में दर्शन कर सकते हैं। और जब हमारी भक्ति बढ़ जाएगी, जब हमारी भक्ति पक जाएगी, जैसे फल जो है कच्चा होता है और बाद में वही फल पक जाता है, अभी हमारी भक्ति कच्ची है, वही भक्ति जब पक जाएगी, जैसे आम जब कच्चा होता है तो ज़्यादा स्वाद नहीं होता है, खट्टा होता है, लेकिन वही आम जब पक जाता है तो बड़ा स्वाद होता है, मीठा हो जाता है। तो इसी प्रकार से जब हमारी भक्ति पक जाएगी, तब उन्हीं साक्षात भगवान के, जिनके दर्शन हम मंदिर में कर रहे हैं अर्च विग्रह के रूप में, साक्षात अपनी आँखों के सामने कर पाएंगे,
जैसे ध्रुव महाराज कर रहे हैं। तो दर्शन करने के बाद में ध्रुव महाराज जो है विडंबित हो जाते हैं, विडंबना में पड़ जाते हैं, कन्फ्यूज्ड हो जाते हैं, क्योंकि वो एक छोटे बालक मात्र हैं। भगवान को उन्होंने दंडवत प्रणाम किया, लेकिन बड़े विस्मित हो जाते हैं, क्योंकि किस प्रकार से अब वो उन भगवान को जिनके वो दर्शन कर रहे थे साक्षात उनके आंखों के सामने आके खड़े हो गए हैं, अब उनसे क्या बोले, उनकी किस प्रकार से महिमा का गान करे, उनसे अब वो क्या वार्तालाप करना चाहते हैं, क्या बोले, उनकी समझ में नहीं आ रहा है। तो पहले तो उन्होंने क्या किया, साक्षात दंडवत भगवान को प्रणाम किया। दंडवत का मतलब होता है जैसे लकड़ी होती है ना, लकड़ी जब आप गिराएंगे तो सीधी गिरती है। तो साक्षात दंडवत प्रणाम करने का मतलब होता है कि अपना मन, अपना शरीर, अपने वाक्य, सब कुछ भगवान की शरण में जब हम प्रदान कर देते हैं तो उसे दंडवत कहते हैं। तो अपने शरीर के द्वारा पूर्ण रूप से जमीन पर गिर करके उन्होंने भगवान के चरण कमलों को स्पर्श किया और अपने मुख, अपना जो है मुखड़ा, उन्होंने भगवान का अपना शीश जो है भगवान के चरण कमलों पर लगा दिया और अपने हाथों से भगवान के चरण कमलों को उन्होंने जो है पकड़ लिया। और इससे पहले भागवत में कहा है अपनी आंखों से वो भगवान के दर्शनों का पान कर रहे हैं। देखिए भगवान के दर्शनों का पान जो है, जैसे हम लोग देखते हैं, हम किसी चीज का पान अपनी जीभ के द्वारा करते हैं। मान लीजिए आप रस का पान करना चाहते हैं, आम का रस है, तो उसका पान हम जीभ के द्वारा करते हैं और पेट में जाता है। लेकिन भगवान की सुंदरता का पान भक्त जो है अपनी आंखों के द्वारा करता है। तो जब भगवान की सुंदरता को भगवान का भक्त जो है आंखों के द्वारा पीता है, तो भगवान की सुंदरता उसके हृदय तक उतर जाती है। और उसके कारण क्या होता है, भक्त के शरीर में रोमांच आ जाता है, अनेकों प्रकार के आनंदों से वो भर जाता है, जिसे कहते हैं आनंद विभोर होना, अंग्रेजी में कहते हैं उसे एक्सटेसी आना। जैसे आपने देखा होगा जब हम खुश हो जाते हैं तो हमारे शरीर में विकार आ जाते हैं, हमारे कई बार पसीने छूटने लगते हैं, आंखों से आंसू बहने लगते हैं, हमारे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जो शरीर के ऊपर बाल होते हैं वो खुशी के मारे, आनंद के मारे खड़े हो जाते हैं। और कई बार हम लोग खुशी में नाचते हैं, गाते हैं, बिना परवाह किए कि बाहर के लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं। तो इसी प्रकार से जब भगवान का भक्त प्रेम विभोर हो जाता है तो उसमें 8 प्रकार के लक्षण जो हैं आते हैं, उसे अष्ट विकार कहते हैं, जिसमें से एक क्या है, शरीर के सारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखों से आंसुओं की धारा बहती है, ये अनेकों प्रकार के अष्ट विकार शरीर में जो है आ जाते हैं। तो उन्होंने जो है भगवान के चरण कमलों का आलिंगन किया और अपनी आंखों के द्वारा जो है भगवान के रूप को वो पी रहे थे। लेकिन भागवत में कहा है अनुभव कम होने के कारण, क्योंकि 5 साल के बालक मात्र थे ध्रुव महाराज, तो 5 साल के बालक जो है उसको भगवान के साथ में क्या बातें करनी है, भगवान की महिमाओं का गान कैसे करना है, भगवान को प्रार्थना कैसे की जाती है, उनको वो अनुभव नहीं था। तो भगवान ने भी देखा कि मेरा भक्त जो है इसको इतना अनुभव नहीं है, केवल 5 साल का बालक मात्र है। तो उसकी इस प्रकार की स्थिति देखने के बाद में भगवान ने जो है उनके ऊपर कृपा की।
और कृपा पूर्वक भगवान ने क्या किया, महाराज ध्रुव के ऊपर आशीर्वाद स्वरूप अपना जो शंख है उनके सर के ऊपर आशीर्वाद के रूप में लगाया। और जैसे ही भगवान ने ध्रुव महाराज के सर के ऊपर शंख के द्वारा आशीर्वाद दिया, तुरंत उनके अंदर में पूर्ण रूप से बदलाव आ गया। अभी तक वो सोच रहे थे कि मेरे में अनुभव नहीं है, मैं एक 5 साल का बालक मात्र हूँ, मैं भगवान से क्या प्रार्थना करूँ, भगवान का उनकी महिमाओं का गान मैं किस प्रकार से करूँ, उनकी समझ में नहीं था। लेकिन जैसे ही भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, अब तुरंत ब्रह्मामय, मतलब वेदों का जो निष्कर्ष है, वेदों का जो कंक्लूजन है, अब ये पूर्ण कंक्लूजन उनको जो है ज्ञात हो गया। ये भागवत में ऐसा बताया है। अब ध्रुव महाराज तो कहीं स्कूल तो नहीं गए थे, गुरुकुल भी नहीं गए थे कि उन्हें जो है वेदों का निष्कर्ष प्राप्त हो जाए, लेकिन भगवान की कृपा से और क्योंकि उनके गुरु के आदेशों का उन्होंने पालन किया था, नारद मुनि के आदेशों का पालन किया था, तो गुरु और कृष्ण दोनों के आशीर्वाद के द्वारा सारे वेदों के निष्कर्ष का ज्ञान अब जो है उनको हो गया। तो और आगे हम इसके बारे में चर्चा अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।